गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास मैथ की क्लास में चैप्टर है हमारा 13th और एक्सरसाइज है 13.2 जो कि हमारी है इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। अब जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सम किए थे तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, दो वैल्यू दे रखी होंगी, अगर हम उनमें किसी एक वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका इनवर्स यानी ऑपोजिट इफेक्ट पड़ेगा सेकेंड वैल्यू पे। अगर हम एक में इंक्रीमेंट करते हैं तो सेकेंड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर मैं सेकंड में इंक्रीमेंट करता हूं तो फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर एक व्हील दे रखा है जिसमें अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा कि भी जो स्पोक्स का जो एंगल बनता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं टोटल हमारा सर्कल में क्या होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है, अगर मैं यहाँ पर स्पोक्स रख देता हूं तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये भी 60 का, सॉरी ये हो जाएगा 120 का, ये भी 120 का और ये भी 120 का। अब अगर मैं नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज कर देता हूं, अगर मैं नंबर ऑफ स्पोक्स क्या कर देता हूं, इंक्रीज मैं कर देता हूं नंबर ऑफ स्पोक्स यहां पर इस तरीके से इंक्रीज, तो जितने नंबर ऑफ स्पोक्स बनेंगे उतना क्या होगा, हमारे एंगल्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, मिनिमाइज होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। अब जैसे 1 2 3 4 5 यहां पर क्या है, 6 स्पोक्स हमने बना दिए तो हर एक एंगल क्या बनेगा 60 डिग्री का। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है थर्ड सम का, उसमें क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ स्पोक्स यहां पर है और हमें पता करना है कि अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स एक व्हील के अंदर इंक्रीज करते हैं देन वैल्यू ऑफ एंगल विल बी डिक्रीज, तो यह क्या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। बिल्कुल, जब नंबर ऑफ स्पोक्स हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी एक में इंक्रीमेंट है तो दूसरे में क्या है वो डिक्रीमेंट, तो ये हो जाएगा आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में। ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट का आंसर इनवर्स प्रोपोर्शन में। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपकी टेबल भी दे रखी है जिसमें क्या दे रखा है कि भी अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 6 है तो एंगल बनेगा 60 डिग्री का। इसी तरीके से आपको 8, 10 और 12 के भी निकालने हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई सेकंड पार्ट है जो, उसमें हमारे जो भी है जो सम है वो हम इसमें सोल्व करेंगे। जैसे क्या दे रखा है, अगर 4 थे नंबर ऑफ स्पोक्स तो एंगल कितने का बनता था, 90 डिग्री का। अब थर्ड के जो सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स, आप 15 स्पोक्स दे दिए और क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एंगल, यानी जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम एक्स मान के चलेंगे। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या फॉर्मूला होता था, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई थर्ड और फोर्थ की मल्टीप्लाई। अब 4 × 90, ये 15 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है, यानी जब हम इक्वल टू से दूसरी साइड में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर 15 वन जा 15 सिक्स जा पे यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, 4 सिक्स जा 24। अगर हमारे नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है तो हमारी एंगल की वैल्यू क्या आएगी, 24 डिग्री आएगी। फिर आपका है सेकंड पार्ट जिसमें नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है और ये है 90, ये हमें स्टार्टिंग में ही दे रखी है टेबल में वैल्यू कि भी अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी हर एक एंगल की, 90। अब जो थर्ड का थर्ड पार्ट है, थर्ड सम का, इसमें क्या दिया कि स्पोक्स की एंगल की वैल्यू दे दी 40 और हमें नंबर ऑफ स्पोक्स निकालने हैं तो हम नंबर ऑफ स्पोक्स को क्या मानेंगे, एक्स, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हमने एक्स मान लिया। अब 4 × 90 यहां पर एक्स मल्टीप्लाई 40, तो 4 × 90 ये 40 क्या हो जाएगा, इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। अब 0 से 0, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 9, यानी नंबर ऑफ स्पोक्स हमारे कितने होंगे, 9, तो हमारा हर एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 40 डिग्री का। ये था आपका थर्ड सम जिसमें फर्स्ट में पूछ रखा है, फर्स्ट पार्ट में, जैसे थर्ड सम में हमारी एक टेबल दे रखी है, टेबल में क्या है, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो एंगल क्या है, 90 डिग्री का, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 6 है तो एंगल क्या है, 60 का। इसी तरीके से आप 8, 10 और 12 के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें क्या था, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या एंगल्स की वैल्यू डिक्रीज होती है,
अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो बिल्कुल हमने फाइंड आउट किया था कि भी अगर ये नंबर ऑफ स्पोक्स कम है तो एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा हो जाते हैं स्पोक्स तो एंगल की वैल्यू क्या होगी, कम। फिर जो सेकंड पार्ट है, 4 और 90 ये हमारे पास गिवन थी, हमें नंबर ऑफ स्पोक्स दे दिए 15, तो एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। थर्ड पार्ट में क्या है, 4 और 90 हमें गिवन है, अब नंबर ऑफ स्पोक्स की वैल्यू पूछ ली और हमें क्या दे रखा है, एंगल की वैल्यू। इस तरीके से हम करेंगे अपना फोर्थ सम, जिसमें क्या है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन है 24 और हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलती है, 5 स्वीट्स। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक क्लास के अंदर 24 है तो हर एक बच्चे को क्या मिलेगी, 5 स्वीट्स, 5 मिठाइयां मिलेंगी। अब अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या देता है, कंडीशन क्या है, हाउ मैनी वुड ईच गेट, हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, तो जो चीज हमें पूछ रखी है, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम एक्स मान लेते हैं। कंडीशन में क्या है, इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, यानी जितने पहले थे उसमें से हम क्या करेंगे, 4 रिड्यूस कर देंगे। दोबारा से स्टेटमेंट समझा देता हूं कि भी अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 है तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिलेंगी। अब हमें निकालना है कि भी हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, अगर जो बच्चे थे उनको हम क्या कर देंगे, 4 कम कर देंगे, यानी अगर 4 बच्चे कहीं पे चले जाते हैं और हमारे पास 4 बच्चे जाने के बाद वो जो मिठाइयां है वो हर एक बच्चे को कितनी मिलेंगी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई, जैसे कि हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन के फॉर्मूले में है, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई। यहाँ पर 20 - 4 क्या हो जाएगा, 20 वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो 20 की और एक्स की मल्टीप्लाई, 24 × 5, ये 20 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 × 4 = 20, 4 × 6 = 24। तो हमारी यहां से 5 × 4 = 20 यहाँ पे क्रॉस हो गया, अब यहाँ पे 4 बचाता तो 4 × 6 = 24, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6। यानी इसका मतलब क्या है, अगर 4 बच्चे चले जाते हैं कहीं पे भी तो जो नंबर ऑफ स्वीट्स पहले 5 मिलती थी, अब नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो जाएगी, 6 मिलेगी। इसका मतलब क्या है, जब स्टूडेंट्स ज्यादा या चिल्ड्रन ज्यादा थे मिठाइयां कम मिलती थी, जब चिल्ड्रन चले गए यानी चिल्ड्रन कम हो गए तो मिठाइयां क्या होंगी, हर एक बच्चे को ज्यादा मिलेंगी। तो ये था आपका थर्ड सम और फोर्थ सम, जिसमें थर्ड सम के 3 पार्ट्स थे और फोर्थ सम का जो हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की है। इसी तरीके से आपको हर एक सम जो नेक्स्ट हमारे आएंगे वो फाइंड आउट करने हैं, वो वैल्यूज निकालनी है। तो आज हम अपना करेंगे थर्ड और फोर्थ सम, बाकी हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।